हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर कोर्स। आज हम जानेंगे एक्सेल के अंदर प्रिंट एरिया फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो है ऑप्शन हमें कहाँ पर शो होता है। आप जो है होम टैब के अंदर आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एरिया। आप यहां से इस फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है हमें इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है और कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने जो है अपनी एक्सेल सीट के ऊपर एक डाटा बनाया हुआ है। ये जो है डाटा काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर जो है कुछ सीरियल नेम है, क्लास है और स्टूडेंट के सब्जेक्ट हैं। अब हमसे कहा जाता है कि यहाँ पर जो है 5 से लेकर 10 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी का प्रिंट निकाल कर दे दीजिए, तब हम इस फंक्शन का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। अगर मैं इसका प्रिंट ऐसे ही दे दूंगा तो इसके अलावा इन सभी स्टूडेंट का भी प्रिंट आ जाएगा। जैसे कि भी मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देता हूं। प्रिंट प्रीव्यू की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है हमारी कंट्रोल के साथ में F2 प्रेस कर देता हूं। देखिए यहां पर जो है इसने प्रिंट प्रीव्यू दिखा दिया है। यदि मैं प्रिंट दूंगा तो सभी स्टूडेंट का प्रिंट निकल कर आ जाएगा, लेकिन हमसे जो है यहां पर कहा गया है कि हमें जो है 5 से लेकर 10 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं सभी का रिकॉर्ड चाहिए, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है मैं देखिए सबसे पहले 5 से लेकर 10 तक जितने भी स्टूडेंट हैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहां पर एक ऑप्शन दिख जाएगा सेट प्रिंट एरिया। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद देखिए जितना भी जो आपने इतना हिस्सा सेलेक्ट किया है इसके पास जो है नीचे डॉट डॉट आ जाएंगे साइड साइड में, यानी कि हमारा जो इतना एरिया सेट हो चुका है। अब देखिए मैं जो इसका आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूं, कंट्रोल के साथ F2 बटन प्रेस कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर जो है इसने सिर्फ 5 से लेकर 10 तक ही स्टूडेंट थे उन सभी का डाटा दे दिया है, बाकी किसी का डाटा नहीं दिया। मैं जो है आपको यहाँ पर जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 5 से लेकर 10 तक, बाकी के जो 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 उन सबको इसने नहीं दिया, जितने की हमें ज़रूरत थी उतना दे दिया है। चलिए अब इसका दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि 5 से लेकर 10 तक जितने स्टूडेंट हैं इन सभी का प्रिंट दे दीजिए, और हमसे ये भी कहा जाता है नीचे जाकर यहाँ से 40 से लेकर 45 तक के जितने भी स्टूडेंट हैं इन सब का भी प्रिंट दे दीजिए। तो मैं इन सबको सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आता हूँ प्रिंट एरिया। यहाँ पर एक ऑप्शन और शो हो जाएगा ऐड टू प्रिंट एरिया, यानी कि मैं उसको भी देना चाहता हूँ और इसको भी। तो यहाँ पर मैं ऐड टू प्रिंट एरिया के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर भी देखिए डॉट डॉट आ चुके हैं। अब देखिए मैं जो है फिर से कंट्रोल के साथ F2 करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखा दिया है इसने, सबसे जो पहला पेज है वो है हमारा 5 से लेकर 10 तक प्रिंट आएगा, और यहाँ पर आपको दिखा रहा है 2 पेज है। तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज करके दिखा देता हूँ आपको, दूसरे पेज पर जो आएगा वो 40 से लेकर 45 तक आएगा। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेल के अंदर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ भाग का प्रिंट दे सकते हैं। यदि आप इन सबको हटाना चाहते हैं तो आप वो भी हटा सकते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैं जो 5 से लेकर 10 तक सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ प्रिंट एरिया पर जाता हूँ और यहाँ क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो है हमारा प्रिंट क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको फिर से कंट्रोल F2 करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है मेरा पूरा का पूरा पेज प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप एक्सेल के अंदर प्रिंट एरिया फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।